सोच रही हूँ मैं कब तक भिक्षा मांगूंगी, कब तक ठुकरे खाऊंगी। सामने शिव जी का मंदिर दिखाई दे रहा है, चले उसी मंदिर पे रहूंगी, फूल वाले देखभाल करूंगी, वही मेरा जीवन बीत जाएगा। भगवान मेरे लिए भी कोई सारा दे दे मालिक, चले साथियों। जब से मेरी सौतेली माँ मुझे मार के घर से भगा दी, मैं दर बदर की ठोकर खा रहा हूँ, प्यास से मेरा गला सूख गया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मुझे पानी नहीं मिलेगा तो मेरा धन निकल जाएगा। देख रहा हूँ सामने शिव जी का मंदिर है, एक देवी जी बैठी है, चल रहा हूँ, हो सके तो मुझे यहाँ पर पानी मिल जाए। मुझे पानी पिला दीजिए वरना मेरा मन नहीं जाएगा। दीदी आप प्यासे हैं, आप पानी पीना चाहते हैं, तो आप मेरी बात सुनिए। आप मुझे पानी पिलाया तो मेरी जान बच गई।
लेकिन आप ये नहीं बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ रहने वाले हैं और आप कब से भिखारी हो गए। सुनिए देवी जी, संदीप है और मैं जान रहने वाला हूँ। मेरी सौतेली माँ मुझे मर के घर से भगा दी। मैं तो बदर की खबर खा रहा हूँ कि दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन देवी जी, मैं भी आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। मैं जो कुछ हूँ आपको साफ साफ कह दिया, लेकिन आपने सही नहीं। आपका नाम क्या है, आप कहाँ के रहने वाली हो और कब से निधन हुआ? तो मेरा नाम सुषमा है और मैं गांव मदनपुर के रहने वाली हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई सहारा नहीं है, मैं भीख मांग कर अपना जीवन बिता रही हूँ। और आप, आपकी मैं कहानी सुन रही हूँ, आप भी मेरे जैसे ही, आपकी भी दुनिया में कोई सहारा नहीं है, अभी भीख मांगती हूँ। तो सुनिए जी, अब मैं आपको पानी पिलाई हूँ ना, और मैं आपकी कहानी सुन रही हूँ, तो आप भी मेरे जैसे ही। सुनिए, मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ, क्या कहना चाहती आए।
तो क्या यार मुझसे शादी नहीं करना चाहती हैं? देखिए मेरी हालत, देखिए मेरा पतरस खाइए, मेरा दुनिया में कोई सारा नहीं है। आप फिक्र हो ना, आप ही मेरे सारे बन जाइए, आप मेरी बात मान लीजिए ना। मैं आपसे कह दिया ना कि मैं आपके साथ शादी नहीं करूंगा, तो नहीं भैया, मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ। देखा हो हम लड़कियाँ ढूंढते हैं क्या फिट करे पड़ी यहाँ कहाँ बात मेहमान जान ना पहचान बड़े मियाँ सलाम कैसन मेहमान मेहमान चौकरत है बिना जाने पहचान के लोटा पानी पी गया तू देखा भाई अब प्यासा आदमी रहे पानी पिए कौनो बात ना प्यासा रहा भाई प्यासा पानी पी भाई करे ठीक है तो शादी कर लेना शादी हम ना कर देखा तेल लगवाए तो हम कौनो रिश्ता ना कर चाहिए जब शादी ना कर दस हम तुहार कौनो बात के लफड़ा ही ना है तू हमार पानी वापस कर जा बस की तू अपने रास्ता हम अपने रास्ता देखा भाई हम पानी पी ले हो पानी वापस हम ना कर पाओ काहे ना कर भाई आप फिर कैसे करा भी आप चाहे जैसे करा वापस करा अच्छा मान हम पानी वापस कही दे हाँ अगर वो बनी है हम ओका कुछ भी करा हमार देखा भाई हम गरीब मनई है ना हमारे घर द्वार बा ना कुछ ठिकाना बा इन्हें ते भांग पाती ना करा गरीब हाँ घर द्वार ना है अरे ऐसे लड़के हम कुछ ही रख रहे ए आज ये ननके भैया ननके भैया 11 रुपये देता है भाई रिश्तेदार 11 रुपये देता है कहाँ भाई मान लो भाई अरे यार हम गरीब वाले यही भाई रह गया कि हमारे ओम डेकोरेशन लाइट बबलू धरावतक रहने वाले हैं 10 रुपये पुरस्कार दे रहे हैं हमारे ओम डेकोरेशन लाइट बबलू धरावतक के रहने वाले हैं 10 रुपये पुरस्कार देंगे धन्यवाद
हम कहते हैं मेहमान तोरे घर दुआ ना है ना, तू काहे बड़े चिंता करता हा, बियाहवा तू करा तो का हम खुद ही राखा, हमके तू रखवा। हां यार तू रखवा। हां यार इसे रखवा यार, ए दूसरी बच्चा ना है पैदा करे भैया। अरे तो का अपनी खिना माता रखा बताया यार, तो यार टेंशन डाल रहे काहे टेंशन होता है मेहमान, देखा था ना जितना अहिया तो हिमा तक बाटे ने बोलो हमारी सब कब्जा करे यहाँ के मेहमान के मंदिर के पीछे के बाहर जितना है कुल बंजर जमीन है, और रात की जब सब गांव वाले खाए पी के सो जाते तो हम लेप पाल दूजे जने उठी थी, अब पूरा नक्शा लेके गांव में बंजर ही हेर बैठी थी मेहमान ही तो कॉलोनी बनवा के बाबा आराम से मुर्गी मुर्गा भी चढ़ा रहा। अच्छा मान लो ब्याह करने तैयार हो गए, लेकिन आधी रात पंडित कहाँ मिले? अरे तू कहाँ से बन गया पंडित, कहाँ मिले हैं बहुत तो पंडित होएगा। अरे मेहमान लाल काम भले लगा रहा हम ढेर जने ब्याह कराए, अब विश्वास कर ले मेहमान जी का जी कर ब्याह करवा दी मेहरारू एक हफ्ता ज्यादा रहा बहु ना इधर एक तो हम ब्याह ना करे चाहते ही तो जबरदस्ती हमार ब्याह करावत है, और ब्याह कर ले भाग में आए एक हफ्ता ज्यादा रहा करे हम ना कर काहे करे ना कर गया, हाँ काहे करे ना कर गया। अरे यार हमारे भाई खाई ठिकान ना खाई। अरे ठिकान ना तो कर हम खुद रखर ना चिंता करा, जो ही घरे मेहमान थे हैं पंडित कहाँ है? अरे यहाँ हम करा दूँगा मेहमान क्या हाँ, लेकिन मेहमान एक बार जान ले कई मंदिर के सामने आवे जय कमाला वीरू कमाला दोनों मिल के जयमाल बन गए मेहमान। देखा मेहमान ब्याह करावे चलते है, लेकिन जब इशारा कर तब एक दूसरे के गले में बरमाला डाला थी माल लागे भी जो तब ब्याह हार से था जैसे पहना तट पर उसे ब्याह फाट जाए, जब ब्याह फाटा था मेहरारू अपन लूगा लेके रोज आना नहीं हरिन भागा थी काम बहुत का चला तैयार को जा मेहमान मन करवा फसल बस सब पचास होए काम तो आए हम पहले बताए खान गरीब मनाई है ना हमारे घर दुआर पर ना कुछ ठिकाना था, भीख मांग मांग गुजारा करते ही, और रही बात पैसा के तो अब तक पढ़ते साथ साथ हमारा पारो बनत है भाई पति में रिश्ता कमन छकू जी पार बनत है ब्याह कराओ सवेरे पियाई तो एक मुट्ठी देव मेहमान तो रोज हम का कहा जाए तो मुट्ठी देव लेकिन तू भूल जात है, अगर भैया हम सवेरे एक मुट्ठी ना दे तो भैया दोपहरी तो कम चार छह मुट्ठी जरूर दे ओम गजाननं भूतगणाधिशेदुतं नखपित्थजम्बूफलचारुभक्तनं उमाफुटं शोकविनाशकारिकं नमामि गणेशवदपादपङ्कजम्। ॐ नमो नमो नारायण गचो गचो गचाः ॐ नतिरनहि धर विवाह संपन्न हुआ है आप लोग ताली बजाइए, अब कन्या बर का पांव छुए, अब बर कन्या का पांव छुए। हो यार तो हाथ दिमाग खराब का, यार हम मजदूर मेहरारू पांव छुए, मेहरारू का पांव छुए योगी जिकराज चल चबा कर मेहरारू का पांव छुए बदर आसन कार्ड ना बन के आए हमें बात ना है।